गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नए क्लास हम लेके आए। इसके पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बेंच वाइस के बारे में जाने थे, वाइस के पहले टाइप्स को जाने थे, वाइस क्या है उसका परिचय जाने थे, बेंच वाइस का साइज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जाने थे, और बेंच वाइस के पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जो उस क्लास को नहीं किए नहीं देखे वो पहले उस क्लास को देख ले, फिर उसके बाद ये आगे की क्लास को देख। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को नोट कराएंगे जिससे ये हमको पता चल पाएगा कि कहीं भी वर्कशॉप में या फिर इंडस्ट्री में, कहीं भी वो हमारा कॉलेज का वर्कशॉप हो या फिर इंडस्ट्री का वर्कशॉप हो, जहां पे हम कार्य करेंगे वहां पे हम लोग बेंच वाइज का क्या हाइट में सीट होना चाहिए कि हमें कार्य करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, न ही हम कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो और कार्य गलत बन जाए, हमारा कार्य भी सही से हो जाए। उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या हाइट होना चाहिए या फिर किस प्रकार से बेंच वाइस में, बेंच में वाइस हमारा असेंबल हो जाए, ठीक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को नोट करते हैं, क्या बेंच वाइज को फिक्स करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो है उसको हम लोग ध्यान दें। तो पहला हम लोग का पॉइंट क्या हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है बेंच वाइज को जब हम लोग क्या करेंगे, वाइज को बेंच में जब सेट करेंगे तो बेंच का हाइट क्या होना चाहिए, हमारा बेंच का हाइट कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेंच वाइज का हाइट, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। कितना, 1 मीटर होना चाहिए। बेंच वाइज का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए हमारा, 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। या फिर जिस टेबल पे या फिर जो भी श्रमिक रहेगा, जो भी श्रमिक कार्य करेगा, उस श्रमिक का जितना भी हाइट हो उससे कोई भी मायने नहीं रखेगा, बस उस श्रमिक का ये कोहनी जो है, हाथ का ये कोहनी जो है, वो बेंच वाइज इतना ही ऊंचाई पे सेट करेंगे कि बेंच वाइज का जो टॉप सिरा है, टॉप सिरा यानी कि मूवेबल जो और फिक्स जो, जो हमारा जहां सटा हुआ इस प्रकार से रहता है, इसका जो टॉप सिरा है वो क्या होना चाहिए, इसका टॉप सिरा हमारे कहनी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहनी के बराबर, कहनी ऐसे हाथ ऊपर कर देना है नीचे कर देना है, नहीं, नॉर्मल एक स्ट्रेट वे में हम खड़ा हो जाएंगे उसके बाद इस प्रकार से करेंगे, ये कोहनी हम जैसे नॉर्मल दशा में रहता है, ये कोहनी के हाइट के बराबर, ये कोहनी के हाइट के बराबर अगर हमारा बेंच वाइज होता है तो वो हमारा एक सही हाइट होता है। कितना, 1 मीटर में बेंच वाइज को सेट करना चाहिए। बेंच का जो जमीन से बेस होगा, जमीन से जो हाइट होगा जहां पे श्रमिक रह के कार्य करेगा उसको हम लोग 1 मीटर दे देंगे, या फिर श्रमिक के हाइट के अनुसार उसके कोहनी के हाइट का हम लोग बेंच वाइज का बेंच बनाएंगे। कितना, बेंच का हाइट उतना ही रखेंगे जितना में उसके ऊपर वाइस को सेट करने के बाद क्या हो, श्रमिक के कोहनी के बराबर सेट हो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, जब भी इसमें वाइस को सेट करेंगे, क्या है हमारा जो बेंच वाइस है इसको जो सेट करेंगे, क्या होना चाहिए, बेंच वाइस का जो फिक्स जॉ है वो क्या होना चाहिए, फिक्स जॉ ही टेबल के सिरे से थोड़ा सा बाहर सेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फिक्स जॉ का जो टेबल है, जॉ है वो क्या होना चाहिए, फिक्स जॉ हमारा जो है टेबल के थोड़े से बाहर सेट होना चाहिए। क्यों, ये हमारा मूवेबल जॉ कहाँ पे है, यहाँ पे इस प्रकार से मूवेबल जॉ है, और फिक्स जॉ हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। इसमें जो भी जॉ बांधेंगे, यहाँ पे लंबा रॉड भी अगर बांधेंगे, प्लेट बांधा गया अधिक ऊंचाई का, तो वो क्या होना चाहिए, इसके लंबवत जो भी आगे वाला चीज है अच्छी तरह से क्लैंप होना चाहिए। क्यों, जैसे हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये हमारा जॉ है, ये वाइस हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाइस हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से वाइस होता है, वाइस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टेबल हो गया, टेबल में हम लोग इस प्रकार से क्लैंप किए, ये मूवेबल जॉ के अंदर कर दिया, स्टार्ट में जहां पे क्लैंप होगा वहां को अंदर कर दिया, क्या होगा,
जो भी जॉब रखेंगे इसके ऊपर होल्ड करेंगे, तो जॉब का हाइट कितना होगा, यहां से यहां तक का जॉब का जितना हाइट है उतने हाइट का ही जॉब इसमें सेट फर्क कर पाएंगे। क्यों? इसके नीचे पूरा का पूरा टेबल में रहेगा, क्योंकि हम फिक्स जॉब को बाहर नहीं किए। वही फिक्स जॉब को क्या करते हैं, टेबल से अगर इस प्रकार से बाहर कर देते हैं, क्या होता है, जो भी जॉब बांधेंगे जॉब का ऊंचाई नीचे तक एकदम दे सकते हैं, जितना टेबल का हाइट है उतना हाइट तक के जॉब को हम लोग उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम लोग बेंच में वाइस को सेट करेंगे तो ये सब ध्यान होना चाहिए। तो जब हम लोग वाइस को सेट करेंगे क्या करेंगे, फिक्स जॉब को बेंच से थोड़ी सी बाहर करेंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसके लंबवत जो भी जॉब को लंबाई में बांधेंगे वो अच्छी तरह से हमारा क्या हो, क्लैंप हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेंच वाइस का दूसरा पॉइंट। बेंच वाइस का तीसरा पॉइंट, जब भी बेंच वाइज को हम लोग स्थापित करेंगे तो कोशिश करना है कि इसका जो बेस वाला सिरा है इसमें क्या करना है, क्लैंप जो पड़ेगा, ये कोशिश करना है टेबल के बेस वाले साइड का फेस होता है इस पे पड़े। इस पे पड़ने से क्या होगा, सिर्फ लकड़ी का एक पतला परत है, इसमें अगर हम लगाएंगे क्या होगा, जल्दी से खराब हो जाएगा, यूज होने का चांस रहेगा। वही अगर जो हमारा टेबल है, टेबल का जो कोरा साइड में दिया हुआ उसमें अगर हम लोग स्क्रू को लगाते हैं क्या होता है, इसको मजबूती ज्यादा मिलता है, ज्यादा मोटाई का स्पेस होता है, पकड़ बनाने में हमको क्या होता है, आसानी होता है। ये सब हमको क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, जब भी हम लोग नट बोल्ट को कसेंगे तो कोशिश करना है टेबल का ये कॉर्नर वाला सिरा या फिर ये जो बेस होता है टेबल का ये फेस जो है पौआ पौआ के नजदीक में हम लोग इसको सेट करेंगे, जिससे क्या हो उसको मजबूती प्रदान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आगे का पॉइंट, आगे का पॉइंट क्या हो गया, इसके जॉ फर्श के क्या होना चाहिए, फर्श से लंबवत होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि टेबल बनाया है इसका टांग इधर हाफ मीटर का कर दिया है, इधर हम लोग 1 मीटर का कर दिया है, इधर हाफ मीटर इधर 1 मीटर, क्या हो रहा है, टेबल ही हमारा किस प्रकार से वहां पे जैसे ये समतल फेस होगा, क्या होना चाहिए, प्लेन जो समतल होगा, हॉरिजेंटल लाइन जो होगा इस प्रकार से होना चाहिए। ये ऐसा ना होगा कि ऐसा मेरा टेबल में टेबल खड़ा है, अगर जो भी टेबल ही हमारा इस प्रकार से रहे, वाइस भी हमारा क्या होगा इस प्रकार से टेढ़ा ही यहाँ पे रहेगा, तो वाइस भी टेढ़ा रहेगा, तो जो भी जॉब वर्क करेंगे जॉब के मेरा सही एक्यूरेसी से जॉब नहीं बना पाए। तो क्या करना है, बेंच वाइस को स्थापित करने के टाइम में ध्यान रखना है जो हमारा बेस जो है, बेस और टेबल का जो फर्श है, फर्श फर्श और टेबल में जो हाइट सेट है दोनों एक दूसरे के पैरेलल एकदम समानांतर होना चाहिए। यहाँ जो हाइट इधर के सिरे में जो हाइट होगा वही सेम इधर के भी हाइट होना चाहिए, ये भी एक दूसरे के पैरेलल में यहाँ पे 90 डिग्री बन जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हाइट कम ज्यादा रहेगा टेबल का, वो फर्श और हाइट का टेबल अलग अलग रहेगा, तो क्या होगा, तब भी हम लोग वर्कर जो कार्य करेगा वो क्या होगा, सही तरह से कार्य नहीं कर पाएगा, वो कुछ और कार्य करना चाहेगा पर कार्य कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या था, फर्श के बीच में समानांतर होना चाहिए। अगर वाइस टेबल बनाने के टाइम में किसी कारणवश थोड़ा सा या फिर उस फर्श में कोई कमी है, ढलाऊ है, क्या हो रहा है, एक साइड थोड़ा सा झुक जा रहा है टेबल, एक साइड झुक जा रहा है, तीन पौवा सही से रह रहा है, चौथा पौवा सही से नहीं रहा, जिसके अंदर वो ढक ढक कर रहा है या फिर थोड़ा सा एक साइड झुक गया है। जनरली घर में कोई टेबल वगैरह रखते हैं देखते हैं हम लोग, क्या एक साइड हमारा झुक जाता है, वो सब अगर दिखे तो जिधर का साइड झुका हुआ रहेगा उसके नीचे हम लोग कोई भी मटेरियल का टुकड़ा दे देंगे और फर्श को वो टेबल को पहले क्या करेंगे, एक लेबल में फिक्स करेंगे। ठीक है, ये सब क्या करना है, उसको जब भी वाइस को इंस्टॉल करेंगे उस टाइम ये सब हमको ध्यान रखना होता है। उसके बाद क्या होता है, और बेंच वाइस को जब हम लोग सेट करेंगे नट बोल्ट के साथ कसेंगे, इसको ये ध्यान में रखना है नट बोल्ट हमारा अच्छी तरह से क्लैंप हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, नट बोल्ट हमारा अच्छी तरह से क्लैंप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नट बोल्ट हम लोग लगा दिया अच्छे से, टीका वाला काम करा दिया, सही काम नहीं किया है, भाई से नट जो था मेरा लगा दिया और नट को ही क्या किया है, यहाँ तक उसको कसना था, नट को यहीं पे कस के छोड़ दिया, यहीं टाइट कर दिया, इसमें यहाँ तक एकदम अंदर घुसा दिया, इस तरह से क्या होगा, सही टाइट में नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, जब भी इसके ऊपर कोई वर्क करेगा तो क्या करेगा, हिलेगा, क्या करेगा, भाई हमारा कंपन करेगा, मजबूती से क्लैंप नहीं रहेगा तो क्या करेगा, कंपन करेगा। तो वैसे स्थिति में
जो भी जॉब है, जॉब के ऊपर जब हम लोग कार्य करेंगे तो क्या होगा, वो एक एक्यूरेट फिनिशिंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई से हमारा कंपन कर रहा है या फिर टेबल ही हमारा कंपन करेगा। तो जैसे टेबल हम यहाँ पे सामने एक है उसको दिखा रहा है, कार्य करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आवाज आएगा, ठीक है। तो ये सब प्रकार का आवाज नहीं आए या फिर कार्य करने में दिक्कत ना, उसके लिए क्या करना है, नीचे पैकिंग लगा देना है जिससे हाइट हमारा क्या हो, बैलेंस हो जाए और सही तरह से हम लोग कार्य कर ले। ये क्या था हमारा वॉइस सेट करने का कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वॉइस हाइट। वॉइस का हाइट जो सेट करेंगे वो हमको कैसे होना चाहिए, एक वर्कर कैसे, कोई भी टेबल एक बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है उसमें कुछ हाइट दिया हुआ है, वो वर्कर कैसे समझेगा कि ये सही हाइट में टेबल है कि नहीं है, कितना हाइट का टेबल होता है वो अच्छी तरह से कार्य कर लेगा, ठीक है। इस चीज को अगर हमको समझना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल को हम लोग बना दिए, इसमें क्या करना है, ये टेबल होगा, टेबल के ऊपर भाईस को सेट करना है। क्या करना है, टेबल के ऊपर जो भाईस सेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे दो भाईस हमारा सेट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग हाइट के वर्कर वहां पे चले जाएंगे, किसके लिए वो सही हाइट का बेंच भाईस है हम लोग कैसे जानेंगे, या फिर हम खुद वर्क करने जाएंगे तो कैसे जानेंगे, इस पर हम सही तरह से वर्क कर लेंगे या फिर क्या करने से सही प्रकार से वर्क होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइज हाइट। एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइज हाइट, एडजस्टमेंट ऑफ बेंच वाइज हाइट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको जो बेंच वाइज है उस पे हम लोग आराम से जाना है, बेंच वाइज टेबल में सेट है, बेंच वाइज के पास चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम वर्कशॉप में जाके ही इस चीज को बता देते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको बता के समझा देते हैं किस प्रकार से होने से हमारा ये अच्छा हो, ठीक है। वहीं से आज का टॉपिक बस उतना ही है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ वॉइस, इफेक्ट ऑफ वॉइस, अगर सही हाइट का वॉइस नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं ले जाके अपना फिटर के वर्कशॉप में, वहां से बेंच वॉइस के हाइट के बारे में हम इसमें बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम फिटर के वर्कशॉप में आ गए हैं, यहाँ पे अब देखेंगे और जानेंगे कि हम जो बेंच वाइज के बारे में बताने वाले थे कि बेंच वाइज का क्या सही हाइट होना चाहिए, कितना सही हाइट का बेंच वाइज रहेगा तो हम लोग को कार्य करने में सुविधा होगा और वो सही ढंग से होगा। तो सबसे पहले जहाँ भी बेंच वाइज सेट करना होगा या फिर जिस वर्कशॉप में इंडस्ट्री में हम काम कर गए वहाँ पे बेंच वाइज जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है बेंच वाइज, उसके सामने हम जाके खड़ा हो जाएंगे। क्या करना है, जाके पहले नॉर्मल खड़ा हो जाना है, उसके बाद क्या करना है, ये हाथ को कोहनी को सीधा पहले स्ट्रेट रहना है, उसके बाद हाथ का कोहनी को यहाँ पे लेना है, कोहनी से इसका हाइट को नापना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे नॉर्मली हम अपना हाथ रख रहे हैं और एक हाइट को ले रहे हैं, तो कोहनी हमारा क्या हो रहा है इसके हाइट में सट रहा है, क्या हो रहा है कोहनी के हाइट का ये है, यानी कि कार्य करने के लिए कि सही हाइट का हमारा बेंच वाइज बेंच के ऊपर सेट। तो बेंच वाइज को हम लोग बेंच वाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेंच के ऊपर सेट होता था इसीलिए इसको हम लोग बेंच वाइज बोलते थे। तो इसका हाइट यहाँ पे होने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसको भी हम इसमें बताएंगे। जैसे ये क्या हो जाता है हमारा अधिक हाइट में हो जाता है, अधिक हाइट बोलने का मतलब हमको इस तरह से यहाँ पे हाथ रखता है हाइट में, तो वहां पे क्या होगा जब मेरा वो हाइट में आएगा जैसे जॉब को इसमें बांध देते हैं, ये जॉब को हम इसमें होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप में जो कार्य करते हैं तो ये हमारा जॉब है, इसी पे जनरली फिटर के जो भी ट्रेनिंग उसको कार्य करना होता है, यहाँ पे जॉब को होल्ड कर दिए, ये हैक्सो लिए, अब हमको क्या करना है जॉब को कटिंग करना है। जॉब को कटिंग करेंगे तो हम इसमें क्या बताए हैं, मेरा ये कोहनी के बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होने के कारण क्या होगा जो ये मेरा हेक्सो है और इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है मेरा पूरा का पूरा क्या होगा ये 180 में रहेगा और हाथ मेरा यहाँ बाजू कितना में होगा
90 डिग्री में मुड़ा हुआ होगा, ये हाथ हमारा 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट यहाँ पे बोले कोहनी के बराबर होना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी कार्य करेंगे हमारा कार्य एक एक्चुअल और सही में कार्य होगा, ठीक है। अगर यही चीज का हाइट क्या किया हुआ रहेगा, हाइट मेरा अधिक रहेगा, हाइट अगर अधिक रहता है तो क्या होता है, हमको इस तरह से झुक के कार्य करना पड़ेगा, भाई इसका ही हाइट अधिक रहेगा तो इस तरह से, तो मेरा क्या होगा, जो ये हेक्सोम है इसका ब्लेड जो है कॉन्टेक्ट में क्या आएगा, कुछ जगह पे इधर कॉन्टेक्ट में आएगा, उधर के सिरे में कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। जैसे ये इतना चौड़ाई का है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसका एक सिरा को ही, एक सिरा को ही ये कॉन्टेक्ट में ले पाएगा, दूसरे सिरे को कॉन्टेक्ट में नहीं ले पाएगा। तो जो भी कार्य करेंगे क्या होगा, एक साइड का सिरा मेरा कटिंग होगा, दूसरे साइड का सिरा कटिंग नहीं होगा, फिर कुछ समय कटिंग होने के बाद भी उधर के सिरा को वो काटना स्टार्ट करेगा। जब हम लोग जॉब को इसके ऊपर फाइलिंग करेंगे, जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब इस प्रकार से हम लोग तो जॉब को पहले बांधेंगे, जॉब को हम लोग इसमें होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ज्यादा समझ में आए। जैसे ये हम लोग इसको बांध लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे थे, अभी कटिंग, उसके बाद फाइलिंग ऑपरेशन जब हम लोग करेंगे, फाइल का प्रयोग करते हुए इसमें जब हम लोग फाइलिंग ऑपरेशन इसमें करेंगे, तो वो क्या होगा, फाइल जब चलाएंगे बेंच वाइज का हाइट अगर मेरा अधिक रहेगा, अधिक होने के कारण क्या होगा, फाइल मेरा इस प्रकार से कुछ चलेगा, इधर जो जॉब का फेस है इधर का साइड घिसेगा, इधर का साइड नहीं घिसेगा, जिसके कारण क्या होगा, जॉब मेरा एक तरफ से चपटा बन जाएगा, दूसरा साइड जॉब क्या होगा, थिकनेस मोटाई में रह जाएगा। तो वैसा ना हो, एक स्ट्रेट जॉब बने उसके लिए इसका हाइट कोहनी के बराबर होना चाहिए। अधिक हाइट बेंच वाइज का होगा तो क्या दिक्कत था, एक साइड का मेरा कट रहा था, दूसरा साइड मेरा छोड़ दे रहा था, यानी कि जॉब मेरा टेपर में फाइलिंग हो जा रहा था, या फिर जो भी ऑपरेशन कर रहा था। सेम कंडीशन वही होता है, अगर बेंच वाइज का हाइट कम रहेगा, कोहनी से मेरा कम रहेगा, तो मेरा खुद का हाइट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, उस समय जब भी फाइलिंग करना चाहिए फाइल मेरा क्या होगा, टेपर चलेगा। क्यों, क्योंकि इसको 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे मेरा ज्यादा जोड़ नहीं पड़ेगा, हाथ में दर्द भी नहीं होगा और आसानी से कोई भी कार्य को कर लेंगे। तो हाइट अधिक भी मेरा हो गया कोहनी से, ये नीचे है तो क्या होगा, सेम प्रोसेस ये क्या करेगा, इसके अपोजिट सिरे को ये फाइलिंग करेगा, इधर के फेस को ये कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं हाथ से इस तरह से दिखा रहे हैं हम फाइल का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, मेरा एक सिरे को प्रयोग कर रहा है। ये सब दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग को कोहनी के बराबर ही होना चाहिए, ये हमारा कोहनी के बराबर है। इसमें मेरा ये 90 डिग्री बोला गया, 90 डिग्री में रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो भी फाइल हेक्सोइंग वगैरह करेंगे तो वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मेरा एक कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एक कॉन्टेक्ट इक्वली कॉन्टेक्ट में, इधर का साइड में जितना कॉन्टेक्ट में आ रहा है वही साइड उधर भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है, और आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्य को कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बेंच वाइज का एडजस्टमेंट, बेंच वाइज का हाइट एडजस्टमेंट, कितना हाइट होना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट भी हुआ उसको भी हम लोग देख लिए। अगर सही हाइट का बेंच वाइज हमारा नहीं रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत हो रहा था, अधिक हाइट का रह रहा था, क्या था, जॉब मेरा एक तरफ टेपर बन जा रहा था, एक तरफ ज्यादा मटेरियल कट रहा था। अगर वाइज का हाइट भी कम हो रहा था सेम प्रोसेस हो रहा था, लेकिन वही इक्वल रहने से क्या हो रहा था, मेरा कार्य सही तरह से और आसानी से चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भाईस को यहाँ से समझ लें, भाईस के क्या कार्य थे उसको भी समझ लें। अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पाइप वाइस या फिर कोई और भाईस के टाइप को लेके आए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।